महाराष्ट्र में चुनाव कभी भी हो सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके सामने क्या चुनौती है। मैं उनसे कहता हूं कि मोदी शाह की सरकार मेरे देश को जो नुकसान पहुंचा रही है, वही असली चुनौती है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर है हिम्मत तो बीजेपी शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़कर दिखाए। तुम मोदी की फोटो और हमारा चुराया हुआ चुनाव चिन्ह धनुष बाण लेकर चुनाव में उतरो, और मैं केवल मेरे नाम उद्धव बाला साहब ठाकरे और हमारे नए चुनाव चिन्ह मशाल के सहारे चुनाव मैदान में उतरूंगा। देखते हैं कि महाराष्ट्र किसको वोट करता है। अभी चुनाव करा लीजिए, हमारी तैयारी पूरी है। हम संयम बरत रहे हैं लेकिन नामर्द नहीं हैं। शिवसैनिकों ने जिन्हें चुना वो गद्दार शिवसेना छोड़कर गए हैं, लेकिन चुनकर देने वाले हाथ अभी तक हमारे साथ हैं। महा विकास आघाड़ी के साथ हम जाएंगे, एनसीपी के साथ रहेंगे, एनसीपी शिवसेना कांग्रेस के साथ रहेंगे और चुनाव एक साथ लड़े जाएंगे। एक बयान उन्होंने अजीत पवार को लेकर भी दिया था, 1000 का अजीत पवार को फोन किया, हालांकि इसका नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो करते रहे, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो क्या ये अजीत पवार को लेकर था या बीजेपी को इशारा कर रहे थे? क्योंकि ये बीजेपी को लेकर इशारा है। मैं मेरी जानकारी बता सकता, भारतीय जनता पार्टी हर पार्टी को तोड़ना चाहती है पूरे देश में। जो विपक्ष में मजबूत पार्टी है, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे तृणमूल हो, सभी को तोड़कर अपनी पार्टी बनाना चाहती है। उनके पास ओरिजिनल कुछ है, सब कुछ डुप्लीकेट माल है, उनके पास सब चाइना का माल है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पार्टी बनाकर आप अपनी विचारधारा जो है, जो आप नहीं बची है, वो आप कैसी सरकारें चलाएंगे? तो पवार साहब ने जो कहा है वो हमारा कहना है। ये धंधा जो है बीजेपी वॉशिंग मशीन का बंद कर दो, लॉन्ड्री बंद कर दो। सर एक बयान आया है एकनाथ शिंदे की बातचीत हुई शरद पवार से, जिस प्रकार से शरद पवार ने, मेरी बातचीत हमेशा होती है, सुबह भी हो गई है। और महाविकास आघाड़ी को जैसे आप बोलते हो उस प्रकार का कोई धोखा या खतरा नहीं है, हम सब एक साथ रहेंगे। और है 1 मई को सबसे बड़ी रैली मुंबई में है महाविकास आघाड़ी की, उनके तैयारी में तीन ही पार्टी के लोग जुटे हैं। सर एक हिंदी में एक दो सवाल, एकनाथ शिंदे ने ठाणे में कल बयान दिया, एक स्पीच दिया था, उस सभा को संबोधित किया था, कहना था कि बार बार मर्द होने की बात कहनी पड़ती है, खुद पर कोई संशय है क्या, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आप पर शंका है, आप जिस नामर्दानगी से भाग कर चले गए पार्टी को संकट में डालकर, ये नामर्दानगी का काम है। और जो मर्द बचे हो पार्टी में बचे, आपको बताना चाहते हैं। एक और सवाल सर, बीजेपी के नेता का एक बयान आया है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे भाषण दे रहे हैं उसको एक तरफ बीजेपी को गाली देते हैं, दूसरी तरफ वो पीठ पीछे बीजेपी से संपर्क में, बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, इसमें कोई सच्चाई है क्या? कोई सच्चाई नहीं है, 9 महीने में कोई संपर्क, कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। ये बीजेपी सपने में ये सब देख रही है कि हम उनसे बात करें, वो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, चैलेंज कर रहे हैं। अरे चैलेंज करने तो उनके चैलेंज को कौन पूछता है,